फोटो में ही आ गए, वीडियो में तो छोटी भैया दूज के पर महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने 55 घरेलू सहायिकाओं से टीका करवाकर उन्हें सम्मान में मिला गर्म शॉल के अलावा कपड़े और कुछ राशि देकर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में उनके साथ जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष दीपिका जैन, मंडल मोर्चा अध्यक्ष कंचन शर्मा भी साथ रही। महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि कोरोना काल में इन घरेलू सहायिकाओं बहनों के पास काम नहीं था, जिसके कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये बहनें अपने परिवार का गुजारा करने के लिए घरों की सफाई करने, बर्तन मांजने व कपड़े धोने का कार्य कर अपने परिवार को पालती है। पैसे के अभाव में इनके बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है। महापौर ने कहा कि इन बहनों के परिवार का भविष्य अच्छा हो, जीवन खुशहाल हो, इसके लिए हम हमेशा इनके साथ हैं। इनके जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं हम उन्हें हर प्रकार की मदद करेंगे। आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी जो बहनें घरू सहायिका का काम करती हैं, आज उनके साथ भैया दूज का पर्व मनाने का हमने फैसला लिया है। हमारे साथ महिला मोर्चा की अध्यक्षा बहन दीपिका जैन जी, मंडल अध्यक्ष बहन कंचन शर्मा जी भी साथ रही। मुझे दीपिका ने प्रेरणाएं दी कि आपको इन बहनों के साथ, जो घरेलू सहायिका इन बहनों के साथ भैया दूज मनानी चाहिए, कि वो बहनें हैं जो अपना सारा समय अपने फैमिली को ना देकर दूसरी फैमिली को देखती हैं, अपने घर के अलावा दूसरे घर को साफ करती हैं, दूसरे घर की साफ सफाई करती हैं, इनको हमें सहयोग करना चाहिए। भैया दूज से बड़ा मौका नहीं हो सकता। और इन सभी बहनों ने मुझे तिलक किया, मुझे दुआएं दी और मैं कल्पना नहीं कर सकता मुझे कितनी खुशी हुई है। ये सभी लोग कोरोना काल में, क्योंकि इनका काम छूट गया था, काम था नहीं, सभी लोग परेशानी में हैं। मैं जब किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो मुझे जो वहां से शॉल और उसके अलावा कुछ सामान मिलता है उसको मैं इन सभी लोगों में बांट देता हूं। तो हमने आज फैसला किया कि आज तक जितनी भी शॉल हमें मिली हैं सब इन्हीं बहनों को दी जाए, ताकि सर्दियां शुरू हो गई हैं, इन बहनों के काम आ सके। हमने एक छोटी सी राशि भी इनको दी है, बहुत छोटी है, शायद 2 दिन में चलने वाली नहीं है, लेकिन एक मान सम्मान है। बहनों ने मुझे टीका किया, मुझे आशीर्वाद दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इनके लिए कुछ करूं। एक बेटी आई है नेहा, जो कि 6ठी क्लास तक पढ़ी है, बड़ा दुख हुआ उसकी पढ़ाई छूट गई है, माँ बाप काम नहीं करते हैं, पैसे की दिक्कत है, तो हमने फैसला लिया है कि इसकी पढ़ाई के लिए जो भी मदद कर सकते हैं मदद करेंगे, जो भी अगर पढ़ना चाहेगी, और मैं तो चाहता हूँ ये पढ़े, हम इसकी मदद करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे दीपा जी ने कहा है कि मैं भी इसकी मदद करूंगी, और ऐसे और भी यदि कोई बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने में दिक्कत है, पैसे का अभाव है, तो हम सभी की मदद करेंगे। आज हम भैया दूज के अवसर पर ये वचन लेते हैं, हमें मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। मैं सभी बहनों को भाई दूज को बधाई देती हूँ, और अपने भाई साहब श्याम सुंदर अग्रवाल जी, दीपिका जैन जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। भाई साहब ने मुझे बोला कि आप कंचन जी बहनों को ढूंढे, तो मैंने सभी बहनों से कांटेक्ट वगैरह किया, इनको फोन किया और इनका पता किया, तो मैंने भी लिस्ट बनाई और मैंने भाई साहब को दे दी, तो सारी बहनें चलकर आई हैं। मुझे बहुत खुशी है, हमारे भाई साहब नया नया कोई प्रयास काम करते रहते हैं, तो साथ मुझे भी सहयोग करने का मौका मिलता है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।